नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज एक खबर लेकर आए हैं, सीमा हैदर से जुड़ी एक फैक्ट चेक लेकर आया हूं। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर या अल्लाह कहते हुए दिखाई दे रही है। कितना पैकिंग करी गई। अब इस वीडियो पर सीमा हैदर की सफाई सामने आई है। सीमा हैदर का कहना है, मैं अब हिंदू धर्म में हूँ, सनातन धर्म में हूँ, मैं श्री राम बोल सकती हूँ, श्री कृष्ण बोल सकती हूँ, वंदे मातरम बोल सकती हूँ, भारत माता की जय बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे मुँह से या अल्लाह नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि मेरे मुँह से खुशी में एक गिफ्ट पैक खोल रहे थे वो लोग, और गिफ्ट जब मैंने खोला तो खुशी में मेरे मुँह से या आरा, अरे कितना पैकिंग है, कब खुलेगा ये, और जल्दी से खोलो, यारा आरा निकला, या अल्लाह नहीं निकला। यानी कि जितना जो चीज़ें वायरल हो रही हैं कि सीमा हैदर ढोंग कर रही हैं और वो कह रही हैं, वो भले हिंदू धर्म में आ गई हैं, वो सनातन धर्म की बात करती हैं, वो जन्माष्टमी मनाती हैं, वो नागपंचमी मनाती हैं, वो रक्षाबंधन मनाती हैं, वो गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रही हैं, वो दिवाली मनाएंगी, नवरात्र मनाएंगी, लेकिन वो उनके अंदर जो चीज़ है कि वो जो इस्लाम में जो या अल्लाह बोलते हैं वो ढोंग कर रही हैं, उनके मुंह से निकल ही जा रहा है। वो चाहे इतना ढोंग कर ले लेकिन उनके मुंह से ये चीज़ निकल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लोग ये लगातार कह रहे हैं कि जो बचपन की चीज़ें जो उन्होंने इस्लाम धर्म में थी, अभी अभी तो वो हिंदू धर्म में आने का दावा कर रही हैं और इतनी जल्दी कैसे बदल जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा है, सफाई दी है, और वो जो वीडियो है लगातार वायरल किया जा रहा है कि वो गिफ्ट पैक खोल रही हैं और उनके मुंह से आ रहा करके निकला, तो लोग उसे अल्लाह करके बता या अल्लाह करके वायरल कर रहे हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने सफाई दी है और इंडिया न्यूज़ से, ख़ास तौर पर इंडिया न्यूज़ से वो वीडियो शेयर किया है। आप मेरे बगल में वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो इंडिया सीमा हैदर ये बता रही हैं कि मैंने या अल्लाह नहीं कहा, मैंने आ रा या रा कह करके कहा है, खुशी में ये बात मेरे मुंह से निकल गई है। आप ये वीडियो पहले सुनिए। मैं यही बात चल रही थी कि सीमा के मुंह से निकल गया ये, तो मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकला, मैं बोल रही हूँ आ रा ना कि कुछ और। तो कोई भी चीज़ आ जाती है ना जिस खुशी में, फिर मेरे मुँह से, ये मेरी हैबिट सी है कि मेरे मुँह से निकल जाता है कि आ रा ये क्या आ गया, मतलब इस तरह का मेरे शब्द बोला है ना कि कुछ और। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, पहले समझें फिर बोलें, ठीक। और मैं सनातन धर्म में पूरे मन से आ चुकी हूँ, मैं दीक्षा भी ले चुकी हूँ, अब मेरे भगवान राधे कृष्ण हैं, श्री राम हैं, और जो भी देवी देवता है मैं सबको मानती हूँ। अब मैं अपने पूरे मन धन तन से हिंदू धर्म में हूँ, सनातन धर्म में हूँ, तो मुझ पर सवाल ना उठाया जाए। और मैं ऐसा कोई शब्द बोल भी नहीं सकती, मेरे मुँह से न आज निकला है, न कल निकलेगा, न कभी निकलने वाला है। मैं मेरे मुँह से निकलेगा तो राधे कृष्ण, श्री राम, सिया राम और जय श्री राम, ये निकलेगा मेरे मुंह से और हमेशा निकलता रहेगा। तो आपने सीमा हैदर की सफाई सुनी कि वो कह रही हैं कि मैं सनातन धर्म में हूँ। अब देख रहे हैं सनातन धर्म को लेकर अब पॉलिटिकली कितना बवाल मचा हुआ है, तमिलनाडु में कितना बवाल मचा हुआ है, चाहे स्टालिन हो, उनके बेटे उदयनिधि हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सनातन को लेकर लगातार टिप्पणियाँ की जा रही हैं और सनातन पर दोफार हो चुके हैं। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल हैं वो लगातार सनातन को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में सनातन को लेकर सीमा हैदर की क्या राय है? वो बोल रही हैं कि मैं सनातनी हो चुकी हूँ, मैं श्री कृष्ण बोल सकती हूँ, जय श्री राम बोल सकती हूँ, लेकिन मैं या अल्लाह कभी नहीं बोल सकती। आपका इस वीडियो पे कुछ कहना है? सीमा हैदर को लेकर कोई जानकारी आपको चाहिए? सीमा हैदर क्या कर रही हैं? अब वो गणेश चतुर्थी आने वाली है, वो कैसे मनाएंगी? या पीएम मोदी का जो जन्मदिन आने वाला है उस पर सीमा हैदर क्या कहना चाहती हैं? अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी बात सीमा हैदर तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। नमस्ते।